नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 15 साल में 35,000 करोड़ रुपए पानी पर खर्च हो और सिर्फ 6% ग्रामीण आबादी तक ही पानी पहुंचे? शायद नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है, वो भी मध्य प्रदेश में। यकीन न हो तो रिपोर्ट देखिए। 15 साल में पानी पर खर्च हुए 35,000 करोड़ रुपए। पानी मिला सिर्फ 6% ग्रामीण आबादी को। जी चौंकिए मत, ये तो वो आंकड़े हैं जो कागजों में हैं, यानी ये तो सिर्फ लिखित हिसाब है साहब। पर्दे के पीछे कितनी राशि खर्च हुई होगी, इसका अंदाजा आप आंकड़ों को देखकर और सुनकर लगा सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए कि अगर वाकई में 35,000 करोड़ रुपए खर्च हुए होते तो क्या तब भी लोगों को प्यासा रहना पड़ता? शायद नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी राशि अगर सही से खर्च की गई होती तो ग्रामीण इलाकों में लोग बूंद बूंद को मोहताज नहीं होते। वैसे ये आंकड़े भी सामने नहीं आते अगर पानी पर बीजेपी सवाल नहीं उठाती, लेकिन बीजेपी का ये दांव शायद उल्टा पड़ गया। सवाल उठाते ही कांग्रेस ने पिछले 15 साल के आंकड़ों को सामने लाकर ऑडिट कराने की बात कह डाली। सियासत की बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि किस साल में कितनी राशि खर्च हुई। साल 2014-15 में 1,901 करोड़ रुपए, 2015-16 में 3,600 करोड़ रुपए, 2016-17 में 2,721 करोड़ रुपए, 2017-18 में 1,790 करोड़ रुपए और 2018-19 में 2,191 करोड़ रुपए खर्च हुए। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि नल से पानी पहुंचाने के नाम पर इतने पैसे खर्च हुए, बावजूद इसके गांव में लोग कई मील दूर से पानी लाकर पीने को मजबूर हैं। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश में महज 12% ग्रामीण आबादी को ही पेयजल उपलब्ध हो पाया है। इसमें से 6% योजनाएं 2003 की हैं। ऐसे में 15 साल में सिर्फ 6% लोगों तक ही पानी पहुंच पाया, जबकि इस दौरान औसतन 2,500 करोड़ रुपए सालाना पानी की योजनाओं पर खर्च हुए। आखिर ये पैसे कहाँ गए, इसका जवाब किसी के पास नहीं। जो सत्ता में है वो इसे पहले की सरकार का घोटाला बता रहे हैं, और जो विपक्ष में है वो आंकड़ों को ही गलत ठहराने में जुटे हैं। आज देखिए जीतू पटवारी जी गांव गांव जाके पूरी नदियों में पानी भर दिया है। आज छिप्रा जो लिंक लाइन थी उससे पानी नदियों में डाल दिया है। गांव में बहुत अधिक हर जगह पानी प्राय पहुंच गया। कुछ दिन में मानसून और आ जाएगा, उसके बाद हमारी सरकार रहेगी। अगली बार ये हमसे सवाल कहना कि क्या किया आपने, एक साल का मौका तो दो, हम फिर हम सुधार करेंगे। और जवाबदार तो पानी के लिए भारतीय जनता पार्टी है। 33,000 करोड़ रुपए ये खा गए टैंकरों के नाम पे, पाइपलाइन के नाम पे, और जहां जहां नगर निगम इनकी थी, वो परिषद जहां थे, महापौर जहां थे, सब तो उनने कुछ उत्थान किया नहीं। अब हमें 6 महीने का समय मिला अभी सरकार में। स्तर पे जो नगरीय निकाय है या शासन है, सबको अपने स्तर पे बहुत कंपलसरी कराना चाहिए, इसके लिए कड़ा दंड रखना चाहिए कि कोई भी भवन में अपने ऊपर छत का पानी वो नीचे उतार कर रिचार्ज करे, अपना बोरिंग हो तो उस बोरिंग में करे, और नए भवनों को तो अनुमति के साथ कंडीशनल रखना चाहिए, उसके बिना उनको कंपटीशन सर्टिफिकेट ही नहीं देना चाहिए। यह यदि इस पर यदि काम नहीं करा जाएगा तो यह दिन प्रतिदिन संकट बढ़ता जाएगा। यह अपना इंदौर या शहर या प्रदेश या देश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चिंताएं हो रही। अब सवाल है कि इतनी राशि खर्च होने के बाद शहरों और ग्रामीण इलाकों में पानी की क्या स्थिति है और उस पर कितने पैसे खर्च किए गए, तो इसके लिए आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। 15 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश में 378 नगरी निकाय हैं, 197 निकायों में ही पेयजल योजना पूरी हुई, 181 निकायों में पेयजल योजना अधूरी है, 150 करोड़ से ज्यादा पानी परिवहन पर खर्च किए गए। अब ग्रामीण इलाकों की स्थिति पर गौर करें तो गांव में 15,787 नल जल योजनाएं लागू की गई, इनमें से 1,450 नल जल योजनाएं फिलहाल बंद है, 600 योजनाएं भूजल स्तर गिरने से बंद हो गई, 166 योजनाएं लाइन क्षतिग्रस्त होने से बंद है, 327 योजनाएं मरम्मत के अभाव में बंद हैं, तो वहीं 596 योजनाएं जल स्रोत फेल होने से बंद है। कमलनाथ सरकार को इसमें घोटाले की बू आ रही है।
सरकार के दावों पर यकीन करे तो 70 करोड़ का पानी परिवहन का खर्च संदिग्ध मिला है। 2017-18 में 136 निकायों में टैंकरों से पानी भेजा गया, 2018-19 में 120 निकायों में टैंकरों से पानी भेजा गया। इस बार अभी तक महज 32 निकायों में ही पानी का परिवहन हुआ। सरकार के मुताबिक इस बार समस्या ज्यादा है, फिर भी परिवहन कम है। सरकार इसी को आधार मानकर पानी के परिवहन में गड़बड़ी की बात कह रही है। सवाल है कि अब आगे क्या? तो सरकार पानी पर हुए खर्च की जांच कराने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि सरकार वाटर ऑडिट के तहत जल स्रोतों की कुंडली बनवाएगी। कौन सा जल स्रोत कब बना, कितना खर्च हुआ, इसका पता लगाया जाएगा। जल स्रोतों की ताजा स्थिति और क्षमता भी जांची जाएगी। इसके अलावा जहां खर्च के बावजूद स्थिति खराब है वहां जांच बैठाई जाएगी। यानी कमलनाथ सरकार शिवराज सिंह के कार्यकाल में खर्च हुई राशि की पाई पाई की जानकारी लेना चाहती है। घोटाला हुआ या नहीं ये तो वाकई जांच का विषय है, लेकिन ये किसी शर्म से कम नहीं कि इतने पैसे खर्च होने के बाद सिर्फ 6% ग्रामीण आबादी तक ही पानी पहुंच पाया। कहीं 2 दिन में पानी आ रहा है तो कहीं 3 दिन में, कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पानी ही नहीं आ रहा। ये हाल है मध्य प्रदेश के, जहां पर पिछले 15 सालों में 35,000 करोड़ रुपए जल प्रदाय के लिए लगाया गया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस है। लोग आज भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। वीडियो एनालिस्ट नीरज जावलिया के साथ आदित्य सिंह, न्यूज़ 8, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।